नहीं, एक बात तो मैं पूछना चाह रही हूँ, देखिए हमारा ARYQTV अल्हम्दुलिल्लाह 80 से ज्यादा कंट्रीज में जा रहे हैं और आप सब लोग माशाल्लाह एक नाम रखते हैं उससे मुंसलिक, तो सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट लेना चाहूंगी कि आप अपनी याददाश्त से बनता है सही कि सबसे सवाल करिए आप, अगर आप भी आप ईद की रूटीन कुछ बताइए, हम भी पूछते हैं कि आपने दो बार आपने भी सेल्फी ली होगी, एक तो अपनी ईद खास ईद जो आपको याद हो कि उसमें कुछ स्पेशल कुछ काम ऐसा किया हो आपने, फनी सा या जैसे कुछ खास वाकया हुआ हो, एक तो ये बात आपसे पूछनी थी और दूसरे ये पूछनी है कि फर्स्ट टाइम आपने होस्टिंग कब की आपकी याददाश्त में, फर्स्ट टाइम जो एक बड़े पैमाने पर एक वेल नोन हुई और अच्छा आपका फर्स्ट टाइम, इसी तरह यही क्वेश्चन आप सबसे है कि आप सब जेन में रखिएगा, फर्स्ट टाइम जो हमने होस्टिंग की वो ऐसा था, वैसे तो मैं करती रहती थी यानी स्कूल लेवल पे जो भी प्रोग्राम्स होते थे, क्योंकि मेरे अब्बू से मैंने ये विरसे में लिया था तो वो भी आर्ट्स काउंसिल के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में करते रहते थे मेज़बानी, तो एक था उनसे कुछ मैंने आ जाते हैं ना कुछ जरासीम वो आ गए थे मेरे अंदर, लेकिन वो अपने स्कूल की हद तक ही वे महदूद थी। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं कॉलेज में आई तो एक प्रोग्राम हुआ हमारे ARY ने ही किया था, डिजिटल ने उसको, और वो बहुत बड़ा मुकाबला है नाथवानी था और उसमें हमारी सादिया ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी अंडर 12 की कैटेगरी में ना, और मरियम जो है वो अबव 12 में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, यानी गर्ल्स की दो कैटेगरीज थी इसी तरह बॉयज़ की दो थी, और बड़ा अच्छा वो बहुत ज़बरदस्त हुआ था प्रोग्राम मुकाबला नाथवानी, तो उसमें मैं थी और मैं सादिया को गाइड कर रही थी बैठ के सामने से, तो जजेस में सिद्दीक इस्माइल अंकल थे, सबीर रहमानी अंकल थे और हमारे तस्नीम साबरी भाई थे और उज़्मा बाजी थी, उज़्मा जैदी साहिबा, बहुत सारे लोग, वो शायद कंपेयरिंग कर रही थी, तो बहुत सारे लोग थे, तो वो मुझे सब शायद एक होता है ना कि आप नोट कर लेते हैं कि ये कुछ कर रही है, तो फिर उन्होंने जब मैं गई उनके पास एंड में ऑटोग्राफ के लिए, सादिया ने प्राइज़ के साथ वो हमें तस्वीर भी बनवानी थी, दिल तो चाहता है कि भाई अब सबको दिखाएंगे कुछ भी बहुत थे, तो जब मैं उनके पास गई तो कहने लगे तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, तुम होस्टिंग क्यों नहीं करती, मैंने कहा करती तो हूँ लेकिन कभी TV ट्राई नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक चैनल कर रहे हैं लॉन्च तुम उसमें आओ, तो वो एक लबैक नाम से उन्होंने कुछ अरसे एक चैनल रन किया, तो उसमें मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन की थी, तो वो मेरी पहली और डायरेक्ट रमज़ान का ही मुझे प्रोग्राम मिला और वो मैंने किया, और ख़वातीन सना ख़वानों का मैंने इंटरव्यू भी किया उन्हीं के चैनल पर, तो उसमें काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फिर वहाँ से मैं डॉक्टर आमिर लियाकत ने मुझे कॉल किया और मैं JioTV चले गई, फिर वहाँ से अब मैं यहाँ माशाल्लाह, और अब यहाँ QTV से मुझे बड़ी मोहब्बत हो गई है, तो मैं कुछ लोग चुने हुए होते हैं, सआदतमंद होते हैं, खुश नसीब होते हैं कि जिनके लिए ये फील्ड चुनी गई, शायद अब आप सबकी दुआ है और अब टिक गए बस यहाँ पे, चले कुछ लोग पसंद ही कर लेते हैं।